ये कहानी है स्कूल में सब बच्चों को परेशान करने वाली रिदम की और स्कूल में न्यू एडमिशन लेकर आई प्रिया की। रिदम ने प्रिया को बहुत परेशान किया, लेकिन फिर होता है कुछ चमत्कार। आइए देखते हैं क्या होता है। ए लड़की, स्कूल में नहीं है क्या? हाँ दीदी, आज मेरा क्लास का पहला दिन है, आप प्लीज मेरे को मेरी क्लास तक छोड़ दोगे? ए रॉकी, ये लड़की स्कूल में नहीं आई है, जरा इसको इसकी क्लास में तो छोड़ दियो। थैंक यू दीदी। दीदी हाँ, अभी पता चलेगा इसे। चल तुझे तेरी क्लास पे छोड़ कर आता हूँ। थैंक यू भैया। भैया आप ये मेरे को कहाँ पे लेके जा रहे हो? यही है ना तेरी क्लास। चल तेरी क्लास आज यही होगी, जा। लेकिन ये दरवाजा तो बंद है। तो वो मेरी प्रॉब्लम थोड़ा है, तुझे जैसे जाने जा। भैया मेरे को मत छोड़ो। भैया यहाँ पे बहुत सारे कुत्ते हैं, प्लीज मत छोड़ो, मुझे बहुत डर लग रहा है। भैया प्लीज मत जाओ। भैया प्लीज, मेरे को बहुत डर लग रहा है, यहाँ पे बहुत सारे कुत्ते भी हैं। भैया प्लीज। मम्मा मम्मा मुझे बचा लो, मुझे बहुत डर लग रहा है मम्मा। अंकल अंकल प्लीज अपना फोन दे दो। अंकल प्लीज घर को फोन करना। मम्मी मैं स्कूल नहीं जाऊंगी, एक लड़की ने मेरे को आज बहुत परेशान करा, मेरे को नहीं जाना स्कूल। बेटा आज स्कूल का पहला दिन था ना, पहले दिन में ऐसे कुछ पता नहीं चलता है। अगर वो लड़की आपको फिर से परेशान करे तो मुझे आके बताना, मैं प्रिंसिपल से बात करूंगी। ओके गुड गर्ल। दिखाई नहीं देता क्या तुझे? सॉरी दीदी, सॉरी। लगता है अब इसे और मजा चखाना पड़ेगा। अब कर दिया ना इसे लॉक, अब आएगा मजा, चिल्लाती रहेगी अंदर से। सही तो है। हाँ पहिए ठीक है। हाँ चेन भी ठीक ही लग रही है। और ये स्टैंड भी ठीक है, अरे लेकिन इसकी सीट थोड़ी सी हिल रही है, और ये टायर पंचर हो गया, और मेरा नया शीशा भी टूट गया। यार मेरा साइकिल तोड़ दी। पापा मम्मी ने इतनी मुश्किल से स्कूल में एडमिशन कराया था, बड़ी मुश्किल से नई साइकिल खरीदी थी, और ये भी टूट गई। शिव जी प्लीज मेरी मदद करने के लिए किसी को भेज दो प्लीज। भगवान ने भेजा है, चल फटाफट बताओ क्या हुआ। क्या आज सुबह से आपको कोई मिला नहीं है क्या? प्लीज मैं ऑलरेडी परेशान हूँ, प्लीज यहाँ से चले जाओ। रुको। अच्छा तो उस लड़की ने तुम्हारा स्कूल जाना मुश्किल कर दिया है। हाँ मुझे अब स्कूल जाने से बहुत डर लगता है। देखो बोरी। अच्छा सुन, अब जब कल तुम स्कूल जाओगी तो ये करना, ठीक है? अच्छा आइडिया। लेट हो गया यार। ए लड़की, ओ नो, आज उनका क्लास अटेंड करने का मन है, चल टाइम टेबल निकाल। तुम्हारे पास अभी तक टाइम टेबल नहीं है?
चल चल, ज्यादा स्मार्ट मत बन, फटाफट टाइम टेबल निकाल। ओह सॉरी सॉरी। अच्छा सुन, अब जब कल तुम स्कूल जाओगी तो ये करना। जल्दी कर। हो गया, ये लो पूरे दिन का टाइम टेबल। मैं कम इन मैम। कौन सी क्लास में हो? मैम ग्रेड 6। ये नर्सरी क्लास है, भागो यहाँ से। सॉरी मैम। मैं कम इन मैम। बेटा अब कमी नहीं कर सकते आप। क्या हुआ माँ? क्लास शुरू हुए 10 मिनट हो चुके और तुम अब आ रही हो। निकलो बाहर, कान पकड़ के खड़ी रहो पूरे पीरियड, निकलो। इसको तो नहीं छोड़ूंगी अब मैं। लगता है फाइनली सही क्लास में पहुंच गई। चलो बच्चों सब लोग मैथ्स की बुक निकालो। मैथ्स की बुक? उस छोटू ने तो मुझे हिंदी की बुक लिख के दी थी, अब मेरे पास मैथ्स की बुक तो है ही नहीं। एक तो पहली बार क्लास में आई हो, उसमें भी मैथ्स की क्लास में हिंदी की बुक लेके आई हो। स्टैंड आउटसाइड विद हैंड्स अप। अच्छा मजा चखाया इसको। उस लड़की की इतनी हिम्मत, मुझे गलत टाइम टेबल देती है। उसे तो मैं अभी देखती हूँ। देखो बोला था ना मेरे इलाके में कोई गड़बड़ नहीं होना चाहिए। डॉन भाई आप यहाँ? अपुन यही है और हर बच्चे को प्रोटेक्ट कर रहा है। चल भाग यहाँ से। जैसा आप बोलो भाई। पक्का? Why not? Sure? स्कूल में अगर आपको कोई तंग करे तो अपने पेरेंट्स और टीचर्स को जरूर बताना। आई एम श्योर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो जल्दी से इस वीडियो को करो लाइक और ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को करो सब्सक्राइब। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।